हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं जो आपको पता है भाई, रीअपियर वाले बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, रीअपियर वाले बच्चों को क्या फार्मूला दोस्तों निकाला है हरी यूनिवर्सिटी ने, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो 40% वाले क्या होंगे, पास होंगे, और आपके पास सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और एट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, उनको आपके पास कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसका क्या फार्मूला यूनिवर्सिटी ने तैयार किया दोस्तों। 11 पेजेज का नोटिस दोस्तों तैयार किया है, 11 पेज का पीडीएफ फाइल दोस्तों डाली है। तो दोस्तों, हमारी मेन बात है भाई उसको समझाना, आपके भाई 40% वाले को क्या करेगी यूनिवर्सिटी, पास करेगी, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी पास नहीं करेगी, जिसके 40% नंबर जुड़ेंगे ओवरऑल जो है आपके पास, आप समझो अब। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर समझना। तो दोस्तों, यह फार्मूला आपके पास समझाते हैं। पहली बात कर लेते हैं आपके पास, आपने ओवरऑल कितने अचीव करने हैं नंबर, ओवरऑल अचीव नंबर आपने 40% आपने ओवरऑल नंबर अचीव करने हैं, वो 40% आपके पास प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरी, जिसको आप कह सकते हैं इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल, ठीक है, उसके बेस पे आपके पास दोनों में आपके 40% होने चाहिए, वो बंदा रीअपीयर का पास हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सबसे पहले आप अपने डीएमसी निकाल लें, जो बच्चे डाउट हैं जिनको वो अपने डीएमसी निकाल लें, बेशक आपके री की हो। सेकंड सेमेस्टर के डीएमसी हाथ में ले लें, फोर्थ की ले लें, सिक्स की ले लें और एट की ले लें, उन बच्चों को पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा दोस्तों। अपना फॉर्मूला लगा ले आप भी लगा के देख लें आपके कितने नंबर है दोस्तों। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपके पास बात आती है पेपर, जैसे आपका है थ्योरी का पेपर है, थ्योरी का जैसे आपका पेपर है भाई 500 का, थ्योरी का पेपर कितने का था, 500 का था भाई, आपने नंबर कितने अचीव किए, 256 नंबर आपने ओबटेन किए, अचीव किए। और आपके पास दोस्तों प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिकल है वो 100 नंबर की थी और प्रैक्टिकल में आपके आए 81 नंबर, इसमें आपके पास टोटल ये हुए हैं, बट आपके री आपके इसमें नंबर में काउंट है भाई, री अपियर वाले नंबर को, जो आपके पास री अपियर के जो नंबर आपके आए हुए थे, अब वो नंबर उसकी जगह प्रमोट होके कितने लगेंगे उसके बारे में डिस्कस हो रही है। अब आपके पास आप ये टोटल करो, आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 3337 आपके पास, और ये है 600 भाई, मतलब 600 में से आपने अचीव किए थे 337 नंबर दोस्तों। अब जो आपके पास जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई हुई थी, री आई हुई थी, अब उसके जगह प्रमोट होने के बाद कितने नंबर लगेंगे वो देखें आप। जैसे आप निकालते हैं भाई, 337 नंबर आपके आए हैं 600 में से गुणा में 100, ये करते हैं। अब आप इसको काटेंगे दोस्तों तो सोल्व करेंगे, आपके पास 56.17% आपकी आ जाएगी। ये आपकी क्या आई है भाई, ओवरऑल आई है, कौन सी ओवरऑल, जो आपके पास मैंने बताई थी ओवरऑल नंबर जो अचीव दोस्तों, जो आपके पास 40% आपकी ओवरऑल आई। अब वो आपके पास जो बैक वाले, जो जिसमें आपके पास जैसे आप बताते हैं, जैसे कोई पेपर आपके पास 75 नंबर का है जिसमें आपकी बैक आई हुई थी, वो पेपर मान लेता हूँ मैं 75 नंबर का है, ये 100 नंबर का भी होता है, 80 नंबर का भी होता है, जब मान लीजिए मैंने 75 नंबर का कोई पेपर आपका, उसमें आपकी क्या आई थी, बैक आई थी, मतलब री आई थी,
पिछहत्तर नंबर में क्या आई थी आपकी? री आई थी दोस्तों, ये आपकी ओवरऑल निकली है 56.17% आपकी ओवरऑल निकली है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं जितने का आपका पेपर है जिसमें आपकी बैक आई है उसके बात कर रहे हैं बटे में सो। अब जब आप इनको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आपके पास 42 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब मैं राउंड ऑफ कर लिया, मैंने राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास 42 नंबर आ गए दोस्तों। जिसके आपके पास राउंड ऑफ किया, जैसे आपके पास आप अपने नंबर यहाँ पे, जैसे आप थ्योरी में आपके कितने आए हैं, थ्योरी मतलब टोटल कितने की थी, आपके कितने आए हैं, प्रैक्टिकल में आपके कितने अचीव हुए हैं, आप प्रैक्टिकल में पास हो थ्योरी में पास हो, इनके जो मतलब टोटल आपके मिलने के बाद आपको क्या होगा भाई, 40% अचीव करें दोस्तों। दोस्तों जैसे आपके पास उस सब्जेक्ट में कितने जिसमें आप फेल हो उसमें आपके पास 42 नंबर आपके पास प्रोमोट होके आएंगे अब की बार। क्लियर हो गया होगा? आप बात बताते हैं आपके पास आप सेकंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की, इवन सेमेस्टर की बात करें दोस्तों, क्योंकि आपके अब इवन के पेपर होने थे उनको प्रमोट कर दिया गया है दोस्तों। तो अपनी अपनी क्या क्या निकाले, सभी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आपके पास वो यूनिवर्सिटी आप लगा लें भाई, जैसे मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ किस किस यूनिवर्सिटी में फॉलो है। आपने समझ लिया फॉर्मूला? अब बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉलो है। पहली बात आती है आपके पास IGU, फिर आती है MDU, फिर आती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, फिर आती है IGNU, फिर आती है GJU, GJU तो दोस्तों, और फिर आती है CDLU और CBLU। इन सभी में ये फॉलो है दोस्तों, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया भाई, री अपीयर वाले बच्चे हैं वो आपके पास ओवरऑल कितने नंबर में अचीव होंगे दोस्तों, 40% से जिसके नीचे हैं उनको फेल किया जाएगा और ओनली प्रमोट होंगे इससे अबाव अबाव, जो मैंने फार्मूला बताया भाई, ऐसे फार्मूला दोस्तों आपका दिया हुआ था, 11 पेजेस का नोटिस है दोस्तों वो दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आपने आज इसके बारे में समझा कि आपके पास 40% वाले बच्चे जो रीअपीयर वाले बच्चे, तो आपके मन में डाउट होगी अब आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अपनी जो मैंने बताया भाई इवन सेमेस्टर की सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ की आप क्या निकाल लें, DMC आप ले लें और उसमें आज जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले को अप्लाई करें, दोनों आपके पास करके देखें आपके कितने नंबर जुड़ते हैं। यदि 40% आपके जुड़ते हैं तो आपके पास आपको पता लग गया होगा उस सब्जेक्ट में हमने निकाला, जैसे उस सब्जेक्ट में हमने निकाला भाई आपके पास कितने नंबर अचीव होंगे पूरा आपके पास निकाला दोस्तों। दोस्तों ऐसे यूनिवर्सिटी फार्मूला लगा के दोस्तों क्या करेगी, ये जो यूनिवर्सिटी है जो मैंने लिखी है वो इस फार्मूले को फॉलो करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफी अहम थी, तो अपने साथियों तक भी इसको शेयर करना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास हर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।